हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज फिर नए ब्लॉग के साथ, कुछ डिफरेंट ब्लॉग है आज, एज ए सिविल इंजीनियर। और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि टाइलें कैसे लगानी है। ये रहा हमारा छोटा सा एक गार्ड रूम है। ये बेसिकली ये सामने जो दीवार पे दिख रही है आपको, वो एक सूता पटकाया हुआ है। और ये हमारा फ्लोर का मार्जिन होता है, जो एज ए हम ठिया बोलते हैं इसको एज ए साइड लैंग्वेज में। और आपको देखना है कि ये टाइलें अप डाउन ना हो, ऊपर का सरफेस चारों एज टाइलों के बराबर लेवल पर हो, ये बहुत ज़रूरी होता है देखना। और ये हमने पहले मोर्टार को लेवल करा था, उसके ऊपर टाइल बिछाई थी। अब हम इसके बीच में जहाँ जहाँ अगर टाइल खाली है, तो खासकर हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है टाइल फिक्सिंग करते हुए, कि जहाँ पे टाइल खाली हो तो अगेन मोर्टार फिलिंग करके प्रॉपरली टाइल के अंदर खाली नहीं रहना चाहिए किसी भी कंडीशन में। सबसे बड़ी शर्त ये। सो हम फिक्सिंग करने जा रहे हैं अब, और हमारा मोटर फिक्स हो चुका है। और इसके ऊपर हमने जो सीमेंट का गोला बनाया होता है, वो गोले को डाल देते हैं, हम टाइल को हटा लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि टाइल को प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, वो चारों एज जो हैं टाइल के, कहीं पे उसमें मसाला ना लगा हो। बिकॉज जब टाइल हम फिक्स कर देते तो और दोनों टाइलों के बीच में मसाला होगा, तो बाद में हमारा आफ्टर फिनिशिंग वो दिखेगा ब्लैकनेस। ये हमने गोला डाला, और ये करनी मारने से ये फ़ायदा होता है कि टाइल और मोर्टार के बीच में बॉन्ड बनना चाहिए, इसलिए ये करनी मारी है, ताकि अगर स्मूथ सरफेस पर टाइल रख देंगे तो टाइल पकड़ेगा नहीं मसाला प्रॉपरली, सो दैट। और ये हमने ये टाइल का एज साफ करा, और साथ में दोनों टाइलों जो हमने फिक्स हो चुकी उसका भी एज साफ किया है, और साथ में जो हम करेंगे उसका भी एज उज साफ करके ये हमने टाइल बैठा दी। और इसको हम लेवल चेक करेंगे इसके साथ ही साथ, कि प्रॉपर लेवल में है या नहीं है। जो हमने वॉल पे मार्किंग करा था उससे हमने एक लेवल चेक करा है, और उसके बाद थोड़ा अप डाउन है तो इसको हल्का सा ठोक लेते हैं हम, ताकि प्रॉपर टाइल लेवल में हो। और कहीं अगर ये फ्रंट अलाइनमेंट में इशू हो, आगे की लाइन ना मिल रही हो, या लेवल में इशू हो, तो जो हमने फ्लोर का मार्जिन दिया था उसके हिसाब से हम इस टाइप से भी लेवल चेक कर सकते हैं, कि हमारा अगर फ्लोर स्लोप में है तो स्लोप के हिसाब से टाइल प्रॉपर जा रही हो। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि लेवल के हिसाब से टाइलें बैठी हो हमारी। और ये बोरे रंगने का मतलब ये है कि टाइलों में बेंड हो तो वो प्रॉपर बेंड निकल जाए। धन्यवाद। आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।